राजन। ये विक्रमादित्य की उज्जैन है बेताल तुम्हारी प्रेत घाटी नहीं, जहाँ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुमने हमारी महल की एक निर्दोष दासी की हत्या की है, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा बेताल। राजन तुम मुझ पे संदेह कर रहे हैं? जिसने अपना जीवन, अपनी मृत्यु, अपना सब कुछ संसार से अधर्म का अंत करने में लगा दिया, उस पर एक निर्दोष स्त्री की हत्या का आरोप लगा रहा है राजन। बेताल, बात जब न्याय की हो तो हम स्वयं पर संदेह करने से भी नहीं हिचकते। दासी के शरीर पर ऐसे चिन्ह पाए गए हैं जिससे सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि उसकी हत्या एक प्रेत और पिशाच ने की है। और इस महल में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है? तुम ही हो वो प्रेत। तू भूल गया राजन, मैंने तुझे बताया था तेरे महल में मुझ प्रेत के अतिरिक्त एक पिशाचनी भी है। स्मरण है हमें, तुमने हमारी पत्नी को पिशाचनी कहा था बेताल। वो मेरी भूल थी राजन, इसने मुझे भ्रमित किया था। किंतु यदि तू मेरी सहायता करे तो मैं उस वास्तविक पिशाचनी को ढूंढ सकता। उज्जैनी में अपराधी को दंड दिया जाता है बेताल, उसकी सहायता नहीं की जाती। किंतु तू जानता है विक्रम, अपराधी मैं नहीं हूं, पिशाचनी है वो, अपराधी नहीं। हमारे पास ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि अपराधी तुम हो, किंतु तुम्हारे पास यदि तुम्हारी इस कथा के अतिरिक्त कोई भी और प्रमाण है तो दिखाओ हमें। चलो तुम हमारे मित्र हो इसलिए एक अवसर देते हैं तुम्हें। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी यह कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। एक ऐसी माया की है उस पिशाचनी ने कि नीर और क्षीर को अलग करने का विवेक रखने वाला विक्रम अपराधी और निर्दोष में भेद नहीं कर पा रहा। काकाश्री, भारमल, नयनतारा, तुम दोनों यहां? जी काकाश्री। काकाश्री, आज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। बात यह है कि हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। जी महाराज, अब आपके आशीर्वाद से ही हमारा प्रेम पूर्ण हो सकता है। जी काकाश्री, तो हमने तुम दोनों के विवाह की सहमति दे तो दी, बाधा क्या है? बाधा है काकाश्री, बाधा है, बाधा है हमारी माँ। वो हमारे विवाह को कभी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए हमने निर्णय ले लिया है कि संध्या को हम गंधर्व विधि से विवाह कर लेंगे। भारमल, यदि तुम दोनों आज ही विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, किंतु विवाह पूरे विधि विधान से सबके आशीर्वाद से होगा। किंतु समस्या तो यही है ना काकाश्री कि माँ अपना आशीर्वाद कभी देंगी ही नहीं। तुम चिंता मत करो भारमल, हम भाभी को मना लेंगे। जी काकाश्री। तो प्रसन्न हो, जाओ प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी करो। देवर जी, ये क्या कर दिया आपने? ये विवाह नहीं हो सकता। अभी अच्छा आप यहाँ आ गई, हम स्वयं आपके पास आने वाले थे। क्या आपत्ति आपको भारमल और नयनतारा के विवाह से? देवर जी, हमें भारमल के विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है नयनतारा से। हम कुछ भी तो नहीं जानते उसके बारे में। कि तो भाभी, अभी आप ही ने तो कहा था कि नयनतारा आपकी सखी की पुत्री है, अब इससे अधिक और क्या जानने की आवश्यकता है हमें? अब हाँ देवर जी, वो हमारी सखी की पुत्री है तो, किंतु हम नयनतारा को तो नहीं जानते ना। अब उसे जानने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो अभी
भार्मा और नयनतारा एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इससे अधिक और क्या जानने की आवश्यकता है हमें? हमें तो बस उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहिए। देवर जी, नयनतारा पर विश्वास तो क्या हो भाभी, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या आपको नयनतारा पर विश्वास नहीं है? नहीं देवर जी, कुछ विशेष नहीं है। हम जानते हैं भाभी, एक माता के लिए पुत्र कभी बड़ा नहीं होता, वो सदैव बालक ही रहता है। किंतु जब पुत्र बड़ा हो जाए तो हमें उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे कि आप उन दोनों को अपना आशीर्वाद प्रसन्नतापूर्वक दीजिए। आपको कैसे बताएं देवर जी कि नए तारा कौन है? आपने उसे यहां लाकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। कालिदास जी, महाराज में जो परिवर्तन दिख रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। हम महाराज को जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकते। हाँ महारानी, किंतु हमें केवल बेताल पर संदेह नहीं करना चाहिए। बेताल? कालिदास जी आप क्या कह रहे हैं? हम बेताल पे क्यों संदेह करेंगे? बेताल तो महल में रहता भी नहीं है। महारानी, हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेताल के संपर्क में आकर महाराज में ये परिवर्तन आया। कालिदास जी, हमने महाराज से बेताल के बारे में जो कुछ भी सुना है वो प्रेत अवश्य है, परंतु बुरा नहीं है। उसकी संगति में मनुष्य को लाभ ही होगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार है। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रह संस्कार होने जा रहा है। क्या ये सत्य है विराट सिंह जी? भारमल और नयनतारा का प्रेम इतना शीघ्र परिणय सूत्र में बन जाएगा, ये हमने सोचा भी नहीं था। इतनी सारी तैयारियां, परंतु विराट सिंह जी, इस शीघ्रता का विशेष कारण? शीघ्रता का कारण तो ज्ञात नहीं महारानी, परंतु निर्णय स्वयं सम्राट का है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं? अवश्य कविराज, निसंकोच कहिए। आपके शब्दों ने सदैव उज्जैनी का हित किया है। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। कहना क्या चाहते हैं? हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, किंतु ऐसे सोचने का आधार यही। कालिदास जी, किसी के भी प्रति इस प्रकार संदेह रखना उचित नहीं है। यदि आपको नयनतारा पर संदेह है तो कृपया सत्य का पता लगाइए। अवश्य महारानी, हम शीघ्र बारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उस पिशाचिनी ने विक्रम की बुद्धि को भ्रष्ट किया, आज तक पहुंचने का कोई मार्ग तो होगा, कोई सूत्र तो मुझे ढूंढना होगा। टोटके की कोई तो ऐसी वस्तु होगी
जिसका प्रयोग उस पिशाचिनी ने विक्रम की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए किया होगा। तो ऐसा कुछ मिल क्यों नहीं रहा? मैं थक गया हूं, आराम कर लेता हूं। बिस्तर भी है, चलो इस पे आराम करते हैं। मैं भला इस महल में क्या कर रहा हूं? मैं बेताल हूं, इसके पास अपार बुद्धि और अनंत शक्तियां हैं। मुझे तो इस राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। अब विक्रम नहीं, बेताल होगा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट बेताल, और विक्रम होगा उसका दास, पड़ा रहेगा मेरे चरणों में। ये अचानक से क्या हो गया था मुझे? मैं इतना अहंकारी कैसे हो गया? इस राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने की बात कैसे सोचने लगा? क्या हो गया था मुझे? यही है वो जादुई द्रव्य जिससे उस पिशाचिनी ने विक्रम को भटकाया है। अब मैं इस पिशाचिनी के चेहरे से उसका घूंघट उठा के रहूंगा। हम जानते हैं भाभी, या भारमल और नयनतारा के विवाह से प्रसन्न नहीं है, किंतु जब आप इन दोनों को एक साथ सुखी देखेंगे ना, तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। देवर जी, हंस तो हमारा भाग्य रहा है हम पर, जो हमने इस प्रकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पिशाचिनी, अब तेरे सुंदर मुख के पीछे छुपी कुरूपता को सबके सामने लाकर रहूंगा। ये कैसे संभव है? मुझे नयनतारा को बताना पड़ेगा कि उसका भेद खुलने वाला है। कारकांड,
हमारा न्याय कीजिए महाराज। इस साहूकार ने हमारी भूमि हमसे छीन ली, यदि हमारी भूमि हमें नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। महाराज मैं इनसे कर इसलिए वसूलता हूँ ताकि राजकोष बढ़े। दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि साहूकार निर्दोष है। हमने ये सब क्या किया? हम इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने वास्तविक स्वरूप में क्यों आ रही हूं? अरे नयनतारा कहां जा रही है? अभी तो हमारा विवाह भी पूर्ण नहीं हुआ है। चलिए पंडित जी। महारामीर जी की प्रश्न कुंडली ने मेरे संदेह को पुष्ट कर दिया है। महल में घटने वाली सभी घटनाओं की दोषी नयनतारा ही है। इससे पहले कि नयनतारा का विवाह राजकुमार भारमल से हो जाए, मुझे महारामीर जी का संदेश महाराज को देना होगा ताकि उन दोनों के विवाह को रोका जा सके। विवाह ना हुआ, गले का फांस हो गया। इसे पूर्ण किए बिना हम यहाँ से जा भी नहीं सकते। किसके प्रभाव में किया हमने ये सब? कौवा यहाँ किसे लौटने के लिए कह रहा है? क्या यहाँ कोई पिशाचनी है? कालिदास जी, आप ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि महाराज यही सत्य है। ठहर जाइए। ये विवाह नहीं हो सकता। विवाह नहीं हो सकता? कौन हो तुम? आपको पता था ना भाभी, आपको क्या था ना, ये लड़की आपकी सखी की पुत्री नहीं है। बताइए कौन है ये? बताइए भाभी, बताइए कौन है ये? देवर जी वो राजा विक्रमादित्य। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? मैं बताती हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। और तुम्हारा अंत करने के लिए आई हूं। राजा विक्रमादित्य, ना तो तुम मेरा भेद कभी जान पाओगे और ना ही मुझ तक कभी पहुंच पाओगे। हाँ।
हम ये समय सोचने का नहीं, इस पिशाचनी को पकड़ने का है। किंतु कैसे बेताल? वो पिशाचनी तो आकाश मार्ग से उड़ गई। बेताल के रहते कुछ भी असंभव नहीं है विक्रम। चल मेरे साथ।